गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में, गुरुजी में। फ्रेंड्स आज है 4 मार्च 2019 और फ्रेंड्स बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर वन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये क्या है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक इंडिया ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू 7.3% इन द कैलेंडर ईयर 2019। अगर दोस्तों मूडीज ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के अनुसार दोस्तों बात करते हैं तो कैलेंडर वर्ष 2019 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि जो है 7.3% रहने का अनुमान दोस्तों लगाया गया है। पॉइंट नंबर टू फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, रवनीत गिल टूक चार्जेस एज द MD एंड CEO ऑफ एस बैंक। दोस्तों रवनीत गिल ने जो है एस बैंक के MD और CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। दोस्तों आपको पता होगा एस बैंक जो है दोस्तों यह का प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक में दोस्तों आता है और दोस्तों इसका जो है जो नए MD और CEO का जो है कार्यभार संभाले हैं वो है दोस्तों रवनीत गिल। तो फ्रेंड्स ये भी आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हसमुख आधिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर 3 ईयर्स। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का दोस्तों, तो उसका हेड ऑफिस आपको पता है बड़ौदा में है और फ्रेंड्स जो है इसके देखिए पूर्व वित्त सचिव हसमुख आधिया को 3 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस जीके क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी एग्जाम के आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यह बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की फ्रेंड्स बात करते हैं, पॉइंट नंबर फोर देखिए आपके सामने आ चुका है, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्टर एंड सीनियर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीज PDP पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर काजी मोहम्मद अफजल डाइड, ही वॉज 76। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और दोस्तों PDP के वरिष्ठ नेता काजी मोहम्मद अफजल का दोस्तों उनका निधन हो चुका है और वह 76 वर्ष के थे। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राइड शेयरिंग कंपनी अबर हैज पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट फ्लैगशिप हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत टू फैसिलिटेट फ्री हेल्थ केयर फॉर सेवरल ड्राइवर्स एसोसिएटेड विद द फॉर्म। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं देखिए आपको टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबर, दोस्तों उबर और ओला दोस्तों आपको पता है बहुत बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों जो आपको टैक्सी सेवा प्रदान करती हैं। तो फ्रेंड्स जो है टैक्सी सेवा प्रदानकर्ता कंपनी उबर ने उससे जुड़े वाहन चालकों के निःशुल्क उपचार के लिए भारत की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी का दोस्तों करार किया है। तो फ्रेंड्स ये आपका समझौता बहुत ही बड़ा समझौता है उबर की तरफ से और भारत के जो आपकी ये स्वास्थ्य बीमा योजना है दोस्तों आयुष्मान भारत को लेके। तो फ्रेंड्स ये आपका काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7th रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंटर रीजनल सेशनल मिनिस्टरियल मीटिंग RCEP ISSL MM वॉज हेल्ड इन सीम रीप कम्बोडिया। दोस्तों यह पर कंबोडिया में ऑर्गेनाइज करवाया गया था 7वीं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी अंतर सत्र मंत्री स्तरीय बैठक RCEP ISSL MM। तो फ्रेंड्स यह कंबोडिया के CM रीप में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एशियन डेवलपमेंट ADB की दोस्तों बात कर रहा हूँ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए $926 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू द ऑपरेशनलाइज्ड 2 लाइंस फॉर द मुंबई मेट्रो रेल सिस्टम। दोस्तों इसके पहले भी सभी दोस्तों स्टेशनों के मॉडिफिकेशन के लिए और दोस्तों पटरियों को दोस्तों डबल ट्रैकिंग करने के लिए ADB ने ही दोस्तों इसका टेंडर लिया हुआ था। अब दोस्तों देखिए आपका यहाँ पे एक दोस्तों नया इसको ADB को दोस्तों मिला है भारत सरकार के द्वारा, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली की 2 लाइनों को चालू करने के लिए $926 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया 2019 एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत निर्माण प्रौद्योगिकी 2019 प्रदर्शनी और सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स आपका भारत निर्माण प्रौद्योगिकी 2019 प्रदर्शनी जो लगा था वो आपका नई दिल्ली में दोस्तों ऑर्गेनाइज करवाया गया और फ्रेंड्स इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, एयर मार्शल रघुनाथ नंबायर टूक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड।
दोस्तों एयर मार्शल आपको पता है रघुनाथ नाम्बियारन ने पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पॉइंट देखिए कि दोस्तों क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सी एस ओ इंडिया ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की दोस्तों बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट इन द थर्ड क्वार्टर अक्टूबर से दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 इज एट 6.6%। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं GDP के बारे में, देखिए CSO के अनुसार दोस्तों CSO जो आपका है उसके अनुसार हम बात करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर 6.6% रही है। तो फ्रेंड्स इस तरह करंट अफेयर्स दोस्तों डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और फिर अगर वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के पास। अब देखिए दोस्तों लास्ट पॉइंट आपके सामने दोस्तों आने वाला है जो आज का दोस्तों लास्ट पॉइंट था, आपको पता है यहाँ पर आपको केवल 5-10 मिनट करंट अफेयर आपको डेली प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों, ताकि आपके जो करंट अफेयर्स है आपके जब एग्जाम आपके दोस्तों करीब आ जाए तो आपको सब पूरा करंट अफेयर दोस्तों मोटी मोटी बुक्स ना पढ़नी पड़े, यहाँ इजीली आपका डेली करंट अफेयर का लेक्चर लेंगे। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आप जो है एग्जाम में जो करंट अफेयर्स दोस्तों आपके आते हैं वहाँ से 70-80% दोस्तों आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर दोस्तों 11th आपके सामने आ चुका है लास्ट पॉइंट, इस ज्वाइंट एक्सरसाइज मेरामती मैत्री एक्सरसाइज 2019 बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश कंक्लूडेड इन त्रिपुरा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के बीच दोस्तों एक संयुक्त अभ्यास मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज 2019 त्रिपुरा में संपन्न हुई है। तो फ्रेंड्स यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है मैत्री और दोस्तों मैनामाती एक्सरसाइज 2019, क्योंकि दोस्तों एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका अभी करंटली दोस्तों ये आपका एक्सरसाइज हुआ है मैनामाती मैत्री एक्सरसाइज 2019 जो आपका बांग्लादेश और भारत के बीच में दोस्तों हुआ है और त्रिपुरा में इसको दोस्तों संपन्न कराया गया है। तो फ्रेंड्स ये आज के थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और दोस्तों ज़्यादा जो है वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।